यहाँ पर हमने जो कार्डबोर्ड लिया है वो केक के बेस का है, क्योंकि केक खाने के बाद वो हमारे कोई काम का नहीं रहता। सो आज हम उससे रेजिन आर्ट बनाएंगे मिरर वर्क के साथ। अब हम इस पर कलर कर लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया है। एक बार कलर करने के बाद हम इसे थोड़ी देर सूखने देंगे। हमने जो पहले कलर लगाया था वो अब सूख चुका है, इसीलिए हम अब इस पर दूसरी बार कलर लगाएंगे, ताकि हमारा जो कलर है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। दूसरी बार भी हम इस पर इस तरह से कलर लगाएंगे और फिर हम इसे एक बार और सूखने देंगे और फिर हम इस पर आखिरी बार कलर लगाएंगे, ताकि जो हमारा कलर है वो एकदम गाढ़ा हो जाए और इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह से हम तीसरी बार इस पर कलर लगाएंगे और फिर उसे सूखने देंगे।
अब ये पूरी तरह से सूख गया है। देखिए ये बिल्कुल भी सूख गया है। अब हम इस पर रेजिन ऐड करेंगे। ये जो है वो हमारा रेजिन होगा और ये जो है वो हार्डनर होगा। हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। इसके लिए हम एक डिस्पोजेबल कप लेंगे और फिर इस तरह से एक कैंडी स्टिक लेंगे और फिर ये जो दवाई का ढक्कन होता है वो हम नाप के लिए लेंगे। सबसे पहले जो रेजिन है वो हम इसमें डालेंगे इस तरह से। ये एक ढक्कन ये हम इस कप में डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा ढक्कन डालेंगे। रेजिन और हार्डनर का जो नाप होता है वो जो रेजिन है वो 2% दो ढक्कन होता है और जो हार्डनर होता है वो 1 होता है। इसीलिए हम 2 और 1 के रेशियो में ये दोनों चीज़ें डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने 2 ढक्कन रेजिन डाला है एकदम से और फिर इसमें 1 ढक्कन जो है वो हार्डनर डालेंगे। ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रहो। इस तरीके से जोर से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे कंटिन्यूसली 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से। मिक्स करने के बाद अब हम ये हमारा रेजिन जो है वो हमने जो एक मिरर लगाए हैं उस पर इस तरह से पोर करेंगे और स्टिक की मदद से इस तरह से उसे फैला लेंगे। देखिए धीरे से हम सभी जगहों पर इसे पोर करेंगे और इस तरह से स्टिक की मदद से इसे फैला लेंगे ताकि कोई एयर भी ना रहे और कहीं पर हमारा रेजिन छूटे भी नहीं। देखिए पूरी तरह से फैलाने के बाद हम इसको इस तरह से 2-3 बार थपथपाएंगे ताकि जो
रेजिन है वो अच्छे से सेट हो जाए और इस पर कोई एयर बबल भी ना रहे। और फिर हम इसे एक या दो दिन के लिए सूखने देंगे।